अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो मैं आज आप लोग से शेयर करूँगी मटन मुगलाई की रेसिपी, जो बहुत ही झटपट से बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो मटन मुगलाई बनाने के लिए एक किलो के करीब मटन, अब मैं इसको कर लूँगी मैरिनेट। मैरिनेट में डालूंगी 1 टेबल स्पून के करीब भूखी लाल मिर्ची, 1 टेबल स पून के करीब धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सब डालने के बाद मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब, और फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से कर लूंगी मिक्स। मिक्स करके तकरीबन मैं आधे से एक घंटे के लिए इसको रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए, ताकि जिसमें मसाले का अच्छे तरीके से गोश्त में लग जाए। तो आधा घंटा हो चुका है मुझे मैरिनेट किए हुए मटन को। अब मैं एक मीडियम साइज के टमाटर को पीस लूंगी और मैं 3 मीडियम साइज के प्याज को हल्के से कर लूंगी ब्राउन, ताकि जो प्याज मुझे से ब्राउन जाए, ज्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे प्याज हो गई थी ब्राउन, मैं इसको निकाल ली थी एक प्लेट में। उसके बाद मैं ले ली थी कुछ मसाले, तो उसमें है काजू, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री, और प्याज के साथ मैं उसको एकदम बारीक से पीस ली थी। फिर जो तेल में प्याज फ्राई की थी वही तेल में ले ली थी कुकर में। इसमें मैं ऐड कर दी थी दालचीनी। दालचीनी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी साज जीरा 1 टीस्पून के करीब। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी मैरिनेट किया हुआ मटन, जो हम मटन को मैरिनेट किए थे। मटन ऐड करने के बाद मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून ली थी। तो मुझे मटन को भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुका था और एकदम अच्छे तरीके से गोश्त में मसाला हो चुका था। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी टमाटर, जो हम टमाटर पीसे थे, टमाटर के मैं पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दी थी। फिर टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको फिर से तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कर ली थी मिक्स टमाटर के पेस्ट को भी, ताकि जो टमाटर का बहुत कच्चापन है वो खत्म हो जाए। उसके बाद जो हम मसाला पीस के रखे थे काजू और प्याज का, उसके बाद मैं वो पेस्ट ऐड कर दी थी पूरा। वो पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे एकदम अच्छे तरीके से मसाले को भून ली थी। मसाले को तो अच्छे तरीके से भून ली हूँ, अब मैं इसको 2 सीटी फास्ट पे लगा दूंगी और 10 मिनट छीलो आंच पे। और ये गोश्त एकदम अच्छे तरीके से गल चुका था, मैं सीटी लगा दी। अब मैं मसाले को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे एकदम भून लूंगी, ताकि एकदम अच्छे से मसाला भुना जाए। तो मैं मसाले को तो अच्छे से भून ली थी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पानी, अगर आपको सूखा रखना है तो आप सूखा रख सकते हो, पर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो मैं पानी हल्का गर्म करके डालूंगी, मैं ठंडा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करूंगी। तो मैं तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ली थी, उसको हल्का कुनकुना कर ली थी, उसके बाद मैं गोश्त में ऐड कर दी थी। फिर इसको मैं मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे इसको मैं पका ली थी पानी ऐड करने के बाद। तो इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और मेरी मटन मुगलाई की रेसिपी तैयार है। आई होप आप लोग पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।